इसलिए ये बहुत बधाई के पात्र है। सम्मानित करते हुए आप हमारे मौजूद हैं जनपद शामली के मुख्य विकास अधिकारी श्री शंभुनाथ तिवारी जी का रिटायरमेंट 30 जून को होना है। आज इन्हीं के सम्मान में सुरमाफी गांव में इनका सम्मान के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें एक मंत्रीय मैच का यहां आयोजन किया गया है। हमारे बीच में डीएम साहब मौजूद हैं, जानते हैं इनका इस अवसर पर क्या कुछ लोगों को संदेश है। डीएम साहब, जैसा कि आपने बताया, आज पुरमाफी गांव में एक कंपटीशन, वॉलीबॉल कंपटीशन मैच का आयोजन किया गया था। हमारे जनपद के सीडीओ तिवारी जी जो रिटायर्ड हो रहे हैं, उनकी विदाई के और समारोह में ये मैच आयोजित किया गया है। उसमें मैंने देखा कि बहुत ही टैलेंटेड और मुझे पता चला कि इतने अच्छे यहाँ के खिलाड़ी हैं और मैं शुभकामना देता हूँ सभी खिलाड़ियों को कि भविष्य में भी इसी तरीके से अच्छा परफॉर्म करें। सर, सीडीओ साहब 4 साल तक यहाँ रहे और यहाँ के लोगों को इनका प्यार के रूप में जो यहाँ सम्मान मिला है, जो यहाँ एक विकास मिला है खेल की जगत में, इनके बाद में अब प्रशासन का क्या रुख रहेगा? अभी पिछले 4 साल में जो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सीखेंगे बाकी लोग जो इनके स्टाफ हैं और विभिन्न विभागों के लोग हैं और जो इनके अच्छे इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं। आगे जो अधिकारी आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि इससे सीखकर वो भी इसी परिपाटी को करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और हमारे बीच सीडो साहब भी मौजूद हैं, अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई है। कोई संदेश देना चाहूंगा, आपको इतना अच्छी सुविधाएं मिल रही है, हमारे टाइम इतनी सुविधाएं थी नहीं। हम तब भी मतलब खेल के प्रति हमारा वो प्यार था और खेलने की इच्छा होती थी। इतनी फैसिलिटीज आप सबको मिल रही हैं और इस टाइम पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो प्राइम वॉलीबॉल लीग होती है तो आपको तो इतना अच्छा मौका मिल रहा है, हमको इतना सा मौका नहीं मिला। और आप इस अपना गेम खेलिए और जो कोचेस एडवाइस करते हैं उनकी प्रैक्टिस करिए और बढ़िया खेलिए। धन्यवाद सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे इस जमीन पर अभी एक शख्सियत, वैसे तो बहुत सारी शख्सियत मौजूद हैं, रितेश नायर जी, रितेश नायर जी भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। रितेश नायर जी, आजा भाई, माजा भाई, भारत टीम के कप्तान रहे हैं और वे विश्व स्तर पर एक इन्होंने एक बहुत अच्छी पहचान बनाई है। सर, आपका भी भारत 24 में और मेरी ओर से हर तरह से आपका स्वागत है। आपका यहाँ पधारने पर आपके भी मुख से मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और अपना रितेश नायर। जी, रितेश नायर कहाँ से बिलोंग? बेसिकली मैं केरला से हूँ, बट अभी फिलहाल ओनजीसी में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तो देहरादून बेस्ड है हम लोग। अच्छा, आज यहाँ आने का आपका मतलब हम लोगों के लिए और यहाँ की जनता के लिए एक बहुत अच्छा, मैं सौभाग्य मानता हूँ, तो इसमें आप क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे? ये हमारा सौभाग्य है कि आरडी शर्मा सर हमारे गुरु जी रहे हुए हैं और इनसे काफी हमारा अटैचमेंट था, तो स्पेशली मैं इनके नाम से आया हूँ। बताइए कि इनका नाम लगता है तो फिर हम लोग मना नहीं करते हैं, स्पेशली मैं तो नहीं करता। तो और इस ग्राउंड से हमारा काफी लगाव है क्योंकि ये अपने घर का ग्राउंड है और इसी वजह से जब बुला लेते हैं तो हम लोग फिर मना नहीं करते हैं। पहली बार हमें अच्छा लगता है, यहाँ का माहौल स्पोर्ट्स वाला है और ये और इतने अच्छे सपोर्टिव हैं सारे पूरे गांव वाले, ये माहौल आपको कहीं मिलेगा नहीं। एक अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए आप खिलाड़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? खिलाड़ी को थोड़ा सेक्रीफाइस होगा और डिसिप्लिन और समय पर आना, समय पर जाना और अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा तो सब कुछ आसान है। अगर उसके बिना तो फिर आप खिलाड़ी नहीं बन पाओगे। थोड़ा मेहनत जरूरी है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उस मेहनत के साथ आपका जो डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, वो बड़ा जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद सर। ये थे रितेश नायर जी, जो इनका कहना है कि अपने खिलाड़ियों को
खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा इन्होंने अपना संदेश दिया है कि वो अपने निष्ठा से और मेहनत से अपने क्षेत्र में मेहनत करें, वो भी एक दिन इनकी तरह से अपने गांव का, अपने क्षेत्र में, पूरा देश, अपने जिले का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ कैमरा मैन प्रसन्न के साथ शरीफ चंद्र वर्मा, भारत 24।